देखिए इन दिनों बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं और बिहार सरकार के ऊपर कुछ ज्यादा ही हमलावर भी हैं। लगातार वो बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर बुलेटिन जारी करते हैं और अक्सर बुलेटिन में कुछ कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसको लेकर उनकी फजीहत भी होती है। अभी कुछ समय पहले ही जदयू के मुख्य प्रवक्ता MLC नीरज कुमार ने उनके पोस्ट के कई सारे पोस्टमार्टम कर दिए थे, कई सारी खामियां निकाल दी थी। इसमें एक ही खबर को बार बार लिखे जाने की बात थी तो कुछ ऐसे भी खबर थे जिसका कोई तथ्यात्मक पुष्टिकरण भी नहीं हुआ, तो ऐसे कई चीजों को नीरज कुमार ने सामने रखा था। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव की एक पोस्ट है जिसको लेकर तेजस्वी यादव की फजीहत हो रही। दरअसल आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति हाथ में तमंचा लिए एक दुकान के अंदर आता है, गुस्से में है, खूब गाली गलौज करता है, तमंचा लहराता है, दुकानदार को पीटता है। और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि ये जो वीडियो में दिख रहा शख्स है, जो तमंचा दिखला रहा है, वो एक BJP का नेता है। तो तेजस्वी यादव के इस पोस्ट के बाद से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हुई, लेकिन BJP ने साफ तौर पे कहा था, तानी सिकवाल ने BJP की तरफ से कहा था कि BJP के कार्यकर्ताओं को क्या तेजस्वी BJP से ज्यादा जानते हैं। यानी कि तानी सिकवाल ने साफ तौर पे ये सवाल खड़ा कर दिया था कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो BJP का नेता नहीं है। उसके बाद इस बात को लेकर पुलिस जांच करने के लिए जब पहुंची तो ये बात निकलकर सामने आई कि वीडियो में दिख रहा शख्स BJP का नेता नहीं बल्कि एक नगर परिषद के वार्ड का सदस्य है। इस पूरी बात की जानकारी जांच करने के लिए पहुंचे पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं। मामला कल एक मामला दर्ज किया गया है वार्ड पार्षद अभिनव के विरुद्ध, उन्हीं के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई है तो यहाँ पर छापामारी किया गया। क्या मामला क्या है सर? मामला है कि अपने बगल के दुकानदार के साथ झगड़ा का मामला है और पिस्टल लहराने का मामला है, उसी के संबंध में कार्रवाई की गई है। FIR दर्ज कर ली गई दोनों पक्ष की तरफ से जांच की जा रही है। जी सुना आपने किस प्रकार से पुलिस के अधिकारी ने बताया है कि एक शख्स के ऊपर मामला दर्ज किया गया है जो तमंचा लेकर धमकाया था, गाली गलौज किया था, उसी के ऊपर छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस वीडियो में ये पुष्ट नहीं हो पाया कि वो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, लेकिन ये साफ किया गया कि जो व्यक्ति दिखा वीडियो में वो BJP का नेता नहीं था, वो एक वार्ड का सदस्य है। अब इस वीडियो के बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव की फजीहत हुई। अब एक झलक देखिए दानिश इकबाल की, जिसमें दानिश इकबाल ने सवाल खड़ा किया था तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर कि क्या वो BJP के कार्यकर्ताओं को BJP से ज्यादा जानते हैं। नहीं, वो तेजस्वी यादव ही बताएंगे कि वो व्यक्ति वीडियो में देखा जा रहा है कि वो मारपीट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव किस आधार पर उसको भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता बता रहे हैं? जो वीडियो हमने देखा उसमें तो कहीं से जाहिर नहीं हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है, ना उसके हाथ में भाजपा का झंडा है, ना उसके पास उसने ऐसा कुछ बोला है कि वो भाजपा का है, और ना हम पहचानते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात को खारिज करती है कि तेजस्वी यादव का जो आरोप है वो निराधार है, बेबुनियाद है, बेसलेस है। क्या तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को पहचानने लगे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से ज्यादा उनको पहचान हो गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की? देखा आपने किस प्रकार से दानिश इकबाल ने सवाल खड़ा किया और अपने ही पोस्ट में तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा।